तो ये देखिए तस्वीर, आज सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और उसके बाद उसके कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। अब तक 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है, 25 से 30 लोग अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं। और जैसा कि एक चश्मदीद ने कहा कि उसने देखा कि कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। हालांकि वहां पर रेलवे प्रशासन पहुंच चुका है, सारे आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। और यहां पर दूसरी प्राथमिकता यह होती है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को साफ किया जाए क्योंकि इसकी वजह से आवागमन प्रभावित होता है। लेकिन सबसे पहले तो जहां पर जितने भी यात्री घायल हैं उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेजा जाए, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि एक पास के कैंप में हमने वहां पर लोगों को फिलहाल भेजा है, जिनको हल्की चोट आई है उनको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उनको फिर आगे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सबके लगेज के साथ हमने यात्रियों को निकाला और उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, गाड़ियां बुलाई गई हैं, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ आप देखिएगा कि ये जलपाईगुड़ी से निकल करके रंगा पानी के बीच का ये एरिया बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है, आसपास गांव है। हालांकि तुरंत गांव वाले वहां पर आ गए, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उसके बाद वहां पर रेलवे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें वाकई में डराने वाली है, रेल हादसे की ये तस्वीर आप देखिएगा तो रेल इंजन के ऊपर बॉगी चढ़ चुकी है, इससे अंदाजा लग रहा है कि टक्कर जोरदार थी और गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक रही होगी तभी जाकर इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कितनी बॉगियों को नुकसान पहुंचा है, कहा जा रहा है सिर्फ 2 बॉगी को नुकसान पहुंचा है क्योंकि पीछे से इंजन ने टक्कर मारी है। इसका मतलब कि रेलगाड़ी जो पैसेंजर एक्सप्रेस थी, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी और पीछे से जो मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, दोनों की गति तेज रही होगी। रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेलवे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, लोगों तक हर संभव सहायता मदद पहुंचाई जा रही है। इससे पहले आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, वहां पर बचाव दल पहुंचा हुआ है। Z News.